हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय इजी तरीका। आज से हम क्लास नाइन्थ की साइंस सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विद एनिमेशंस, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें हम कवर करेंगे साइंस की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स वन बाई वन। हमारे सिलेबस का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहला वर्ड है मैटर, लास्ट वर्ड है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग तो वो चीज़ें हो गई जो हमारे आसपास हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आती हैं हमारी सराउंडिंग्स में। अब आती है बात मैटर की, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मैटर। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है स्पेस, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है मास, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है अप्लाइड फोर्स। स्पेस हो गया एरिया, किसी भी चीज़ ने, कोई भी चीज़ हो गई, कप, बुक्स, पेन, पेंसिल, उसने किसी स्पेस को, किसी एरिया को, अपनी वजह से किसी एरिया को उसने घेर रखा है। तो ये तो हो गया स्पेस। मास, अगर किसी बॉडी का कोई कांस्टेंट मास है, कांस्टेंट मास का मतलब चाहे वो अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे यूनिवर्स हो, कहीं भी वो मास कांस्टेंट रहेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है, आप शायद जानते होंगे, केजी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है केजी। एंड अब बात आती है अप्लाइड फोर्स की। अप्लाइड फोर्स क्या है? क्लास एट्थ में मैंने पढ़ा था फोर्स के बारे में। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन थी, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को अगर हम पुश कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम अगर पुल कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? फोर्स है। अगर कोई बॉडी इस पुश और पुल को रेजिस्ट करती है, अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और वो उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो वो बॉडी भी क्या होगी? वो भी होगी मैटर। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई मैटर की। और मैटर की क्या खास बात होती है? द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। मैटर इज द मटेरियल, मैटर एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जिससे इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें बनी हुई हैं अलग अलग शेप में। मतलब यह है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी मैटर की ही बनी हुई हैं। ये है इसका मतलब। तो हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारे के सारे सब मैटर है। अब मैटर जो है वो किसी ना किसी चीज़ का बना हुआ है, तो जिन चीज़ों से मैटर बनता है वो होते हैं, वो कहलाते हैं पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल जो सबसे छोटा होता है, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ना शुरू करें, उसे तोड़ते जाएं तो लास्ट में आके एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे हम किसी उस चीज़ को और फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे और नहीं टूटेगा। ऐसा जब सिचुएशन आ जाती है, ऐसा पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एटम। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है कोई भी मैटर, और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं की जाती है, ये ऐसा पहले बोला जाता था, जबकि एटम के भी और सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये एटम के ही होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं उसके, उसी के अंदर होते हैं, उन्हीं से मिलके बनता है एक एटम। पर अगर मैटम मटेरियल की सबसे छोटी हम पूछे यूनिट क्या है तो वह है एटम। अब एटम दिखता कैसा है? एटम को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं दे सकते हैं। अगर अपनी हम आँखों से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें एटम नहीं दिखाई देगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़। अब ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये जो इमेज है, इस इमेज में जो ये छोटे 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 ये जो वाइट बॉल्स दिखाई दे रही है, ये देखो ये जो हेडिंग आउटलाइन कर रखी है, ये हैं एटम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एटम, और इन एटम के बीच में आप देख रहे होंगे गैप, ये जो है ये इन दोनों एटम्स के बीच में गैप दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, नहीं दिखेगा हमें, ये इलेक्ट्रॉन में ही माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, और ये ऐसा दिखता है थोड़ा ब्लर सा। अच्छा, पार्टिकल्स, इनकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये जो एटम हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, किसी मैटर में कम करते हैं, किसी मैटर में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल और दो पार्टिकल, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम ये अट्रैक्शन या ये क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये हमने एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिया है पार्टिकल का, अगर हम ये मान के चलें कि ये छोटे छोटे ये जो हैं ये एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं छोटे छोटे, इनको हमने मैग्नीफाई कर दिया है, और ये पार्टिकल्स किस तरीके से मूव करते हैं, रहते हैं अपनी ही उसमें, ये दिखाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो मैटर है इसको हमने किन किन स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये फिजिकल स्टेट्स मैटर की क्या क्या होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, इसके अलावा भी और भी होती हैं, जिनमें से दो शायद हम पढ़ेंगे, टोटल 6-7 के करीब होती हैं, पर उतना हमको पढ़ना नहीं है। एक होती है हमारी प्लाज्मा और एक हमारी होती है BEC। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड क्या है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड की एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का। बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड। अच्छा, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, तो जो बोन्स हैं हमारी बॉडी में और जो हमारी बॉडी में टीथ हैं, ये सब सॉलिड हैं। लिक्विड में देखते हैं, ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड्स, ये लिक्विड है, जितना भी ब्लड है, वाटर है, ये सब लिक्विड है। गैस, एयर इन आवर लंग्स इज गैस, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन क्या है, वो गैस है। प्लाज्मा, प्लाज्मा का एक एग्जांपल लेते हैं, शायद आपने प्लाज्मा के बारे में पहले ना पढ़ा हो। फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है हमारे घर में, और इलेक्ट्रिक आर्क जो वेल्डिंग के टाइम पे आप आर्क देखते हो, जिसके लिए जो वेल्डर होता है वो अपने सामने एक ग्लास का विंडो पकड़ के बैठता है, वो जो आर्क उसके अंदर निकल रही होती है वो प्लाज्मा होती है। और जो फ्लोरोसेंट लाइट हमारे यहाँ लगी हुई है, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब लाइट हमारे यहाँ लगी हुई है, उसके उसके अंदर भी आर्क होती है, और उस आर्क की वजह से ये प्लाज्मा ही है, ग्लो कर रहा होता है इसको, इसीलिए हमने इसको अलग स्टेट में डिवाइड किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हमारे आगे यूज़ होने वाली हैं इसमें। सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या है, एक टाइप की काइनेटिक, एक टाइप की एनर्जी होती है, द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वो एनर्जी है जो मोशन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या मोशन में है, तो वो जो मोशन में है वो किसकी वजह से है, वो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। काइनेटिक एनर्जी इज द रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ फोर्स दैट पुल्स द बॉडी नियर ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन। अब बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहाँ देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दो एग्जांपल हो गए ऐसे जो हम पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास होता है वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरी बॉडी पे अप्लाई करती ही है। ये बात अलग है कि वो कितना होगा, उसकी पावर कितनी है, ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच पाती है कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स जब होता है तो अगर हम दो मैग्नेट को, एक मैग्नेट को किसी आयरन की नील के पास लेके जाते हैं, जब उसे बहुत दूर रखते हैं तो वो नहीं कर पाती अट्रैक्ट, पर जो उसका फील्ड होता है उस फील्ड में अगर हम उसको लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सम ऑफ देम आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आगे हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम कैसे बोलेंगे कि किसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, किसकी लो काइनेटिक एनर्जी है, और ये भी समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कैसे उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली में तो हम एनर्जी देख नहीं सकते, एनर्जी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इट कैन ओनली बी फील। और हम फील कैसे कर सकते हैं उसे कराने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा असलियत में कुछ नहीं होता है, बस आप इससे समझ सकते हैं। अगर हमने ये पार्टिकल ले लिया, ऐसे हमने ये तीन पार्टिकल ले लिए, एक में हमने लिखा हाई काइनेटिक एनर्जी, एक में लिखा हमने लो काइनेटिक, और एक में लिखा वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है। अब इसका मूवमेंट देखिए, अब पहले वाले का इसका मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। अगर इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब बहुत फास्ट फास्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। सेकेंड वाला देखो, अब पहले वाले से कंपेरिजन में थोड़ा धीरे मूव कर रहा है तो इसकी लो काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट वाले को आप देखोगे तो समहाउ बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, पर थोड़ा वो धीरे उसका मूवमेंट है, तो उसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और लो है। जितनी ज़्यादा लो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना कम मूवमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला हमने काइनेटिक एनर्जी देखा, काइनेटिक एनर्जी को हमने उस तरीके से इलस्ट्रेट किया कि किस तरीके से हम एक विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसी किस तरीके से होती होगी वो काइनेटिक एनर्जी और उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा मूवमेंट में। ऐसे ही हम विजुलाइज करके देखते हैं कि अट्रैक्शन किस तरीके के अट्रैक्शन की बात हो रही है और कैसे कोई पार्टिकल अट्रैक्ट होता होगा, ये हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये हमने एक पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल वन, एक हमने पार्टिकल ले लिया, ये हो गया हमारा पार्टिकल टू, और इन दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस है। जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब क्या होगा अगर ये पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये पास में आ जाएंगे, ये अट्रैक्शन की वजह से ये पास में आ गए। अब अगर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा है, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई, then the separation of particles is very difficult। अब ये हमें समझना होगा, अगर हम बोलेंगे कि किसी पार्टिकल का, इस मैटर का अंदर, पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर हमने ऐसा बोला कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तभी हमको ये बात समझना है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा उनको एक दूसरे से अलग करना, उसके लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मैटर को, कोई भी मैटर है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब कि वो पास में होंगे पार्टिकल्स, ये हमें बताता है। अगर हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मैटर का बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, पहला कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, दूसरा कि इनको सेपरेट करने के लिए अगर हमें एनर्जी सप्लाई करनी है, उसे एनर्जी देनी है तो वो हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये हमें इस चीज़ से समझ में आता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कौन से थे हमारे, मेन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स, ये हमारे तीन मेन जो थे। प्लाज्मा हमने बताया, एग्जांपल उसका दिया था, उसके बारे में आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स में सबसे पहले सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। पहला होता है सॉलिड्स का, हैव डेफिनेट शेप, कोई भी सॉलिड होगा उसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगी, जनरल सी बात है। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो एकदम डिस्टिंक्ट होंगी, ये भी एक नॉर्मल सी बात है। कोई भी सॉलिड ले लीजिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं ब्रिक से, ब्रिक हमने देखा है रेक्टेंगल टाइप की होती है, बहुत डेफिनेट शेप होती है उसकी, और
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, आप बता सकते हैं इसका कौन सा ये कौन है, कौन कहाँ पे है. हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, इसको हमें थोड़ा समझना होगा. रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम कंप्रेस ना कर पाएँ, दबा ना पाएँ. और रिजिडिटी का मतलब होता है जितना ज़्यादा कोई चीज़ रिजिड होगी उतनी ही ज़्यादा वो टूटना नहीं टूटेगी. बट होता क्या है, ये एक्सेप्शनल्स होते हैं कुछ सॉलिड में जो कंप्रेसिबल होते हैं, जो रिजिड नहीं होते हैं बट फिर भी वो सॉलिड होते हैं. हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, अगर डेफिनेट शेप है किसी की तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा ही होगा. इन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज़ की, अगर वो डेफिनेट शेप है उसकी तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगा ही होगा. ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इधर हमारा ये क्यूब आया है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ अगर मान लें कि ये ग्रीन वाला एक पार्टिकल है, ये ऑरेंज वाला दूसरा पार्टिकल है, रेड वाला तीसरा है, ब्लू फोर्थ पार्टिकल है हमारा, तो इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी गैप नहीं मिल दिख रहा है, बहुत माइन्यूट गैप है, मतलब कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिख रही हैं, डेफिनेट शेप हमको दिख रही है, डेफिनेट वॉल्यूम मिल रहा है, हमें ये रिजिड भी लग रहा है. तो ये एक एग्जाम्पल है एक टाइप का, कि अगर हम मान लें कि ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, फोर पार्टिकल्स हैं इनसे मिलके बना है, तो ये शेप हमारा एकदम रिजिड है, हाई अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फोर्स हो गया. हाई अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि इसके बीच में हमें दिख रहा है पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है. सम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल वही रबर बैंड जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है. तो अगर शेप चेंज हो रही है इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल होने के बाद भी वो सॉलिड में आता है. ये कुछ एक्सेप्शनल है. स्पंज, स्पंज जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है फिर भी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है करेक्टरिस्टिक होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी, ये करेक्टरिस्टिक है सॉलिड की, बट उसके बाद भी जो हमारा स्पंज है वो कंप्रेस हो सकता है फिर भी वो है सॉलिड. आप लिक्विड पे आते हैं, लिक्विड, लिक्विड दे कैन फ्लो, सिंपल करेक्टरिस्टिक है लिक्विड की कि वो फ्लो कर सकता है. लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको कंप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है हमारी वो होती है पर बहुत कम, माइन्यूट होती है. नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती. दे टेक द शेप ऑफ द वेसल, जो भी वेसल होता है उसका वो शेप ले लेता है. अगर आप लिक्विड को किसी भी ग्लास से, जग में, जग से, बॉल में, किसी में भी आप उसको पोर करोगे, जिस शेप का हमारा वेसल होगा उस शेप की वो बन जाएगी. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि जो भी शेप होती है उस शेप का वो कोई भी शेप है, बाउंड्री है, उसमें हमने उसे पोर किया तो उसका उसने शेप ले लिया, बट उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो घेरा ही ना, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. हमें इधर देखते हैं कि इधर हमारे पास ये आता है एक शेप है, इसमें हम देखते हैं अगर मान लें ये लिक्विड स्टेट में कोई पार्टिकल है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये जो छः के छः पार्टिकल हैं इनके बीच में आप देख रहे हो कि इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है. सॉलिड में हमने देखा था कि उनमें स्पेस नहीं थी और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है. जब स्पेस ज़्यादा होगी इसका मतलब कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है. पहले वाले में स्पेस नहीं थी और उससे पहले हमने वो देखा था एग्जांपल जिसमें हमने देखा था कि जो भी सॉलिड था उनमें दोनों पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो वो एकदम से पास आ गए थे और उनको अलग करना बहुत मुश्किल था. सॉलिड्स में हमने क्या देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा पास है. यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इनके बीच में स्पेस हमको नज़र आती है. इसके बाद हम देखते हैं गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है दे कैन फ्लो, गैस फ्लो कर सकती है. दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. आपने सुना होगा सीएनजी, सीएनजी जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस्ड कर देते हैं उसी को सीएनजी बोलते हैं. जो हमारी पेट्रोलियम आती है, वो जो हमारी एलपीजी आती है वो भी क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
वो भी एक तरह की गैस होती है जिसको हम लिक्विफाई कर देते हैं, उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो कंप्रेस हो गया लिक्विड बन जाती है। तो हाईली कंप्रेसिबल होती है जो गैस होती है। दे हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज। गैसियस स्टेट की कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। गैस जो होती है उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। दे हैव नो डेफिनेट शेप, ना उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। अगर जैसे लिक्विड था उसको तो हम पोर कर सकते थे, पोर किया तो उसने उसकी शेप ले ली, शेप ले ली तो उसका वॉल्यूम बन गया। यहाँ उसकी कोई शेप ही नहीं है, उसका कोई डेफिनेट बाउंड्री ही नहीं है। जब उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है तो उसका कोई शेप भी नहीं है। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। शेप भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है, तो वॉल्यूम भी नहीं होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। कंपेरिजन किया जाएगा सॉलिड से देन लिक्विड से, तो इनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। जब स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हो जाता है वीक। अब जब अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ बंध के नहीं रहते। जैसे पहले हमारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास थे और उनका फोर्स ज़्यादा था, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, उन्हें बहुत मुश्किल होता था अलग करना। पर इनके बीच में स्पेस ही इतनी ज़्यादा है कि ये अपने आप ही फ्रीली मूव करते हैं। इनका बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन रैंडमली। ये रैंडमली अपना घूमते रहते हैं। देखते हैं कैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये फ्रीली घूम रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, अपने किसी भी डायरेक्शन में ये कैसे भी घूम सकते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हेन द गैस इज फिल्ड इन अ वेसल, अगर गैस को हम किसी वेसल में भरते हैं, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल बाय अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ गैस। ये है एक बात की गई है प्रेशर ऑफ गैस के बारे में कि गैस का प्रेशर होता है। वो प्रेशर कैसे होता है? ये जब पार्टिकल रैंडमली इधर उधर घूम रहे होते हैं तो ये वॉल्स से जाकर टकराते हैं। किसी भी वेसल में अगर से भरा है तो उसकी वॉल से ये टकराएंगे। अब जब ये वॉल से टकराते हैं तो ये एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं उस वॉल पे, वेसल की उस वॉल पे, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। अभी का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ओके देन, अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, share and subscribe.